ये सामने दो मंदिर हैं, एक है वैष्णो माता का और दूसरा है बाबा नारसिंह का मंदिर। ले तो यहाँ डांस किया करता था, लेकिन अब यहाँ पे बेड लग चुके हैं तो यहाँ पे डांस करना बंद हो चुके हैं। बाहर तरफ का जो नज़ारा है ना, वो देखने लायक है। आप मतलब मज़ा जाएगा आपको। ये रोड दिख रहा है, ये 103 है, कांगड़ा टू शिमला। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। और आज हम करने वाले हैं अपना होम टूर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई ला वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको मैं लास्ट में अपने घर की साइड की पूरी ब्यूटी दिखाऊंगा, जो बहुत ही मस्त है। तो चलो चलते हैं, पहले जो है नीचे वाले फ्लोर, फिर ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। चलो चलते दिखाते हैं अपना घर। ये है अपनी कार टाटा टिगोर, टाटा का भरोसा। और सामने है हमारी रूपा और रूपा का घर, जिसका मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखना ना भूलें। ये मैंने फ्लावर लगाए थे, ये बहुत ऊँचे ऊँचे हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फूल लग चुके हैं। और ये मैंने सब्जियां बीजी हैं, इस साइड मटर लग चुके हैं। और ये रहा एंट्रेंस हमारे घर का यहाँ से। और अब दिखाते हैं आपको नीचे वाला फ्लोर। यहाँ पे ये जो है पूरा एक साइड को रूम है, ये साइड रूम है, एक उस साइड रूम है, और बीच में सेंटर में एक रूम है, और उसके भी बगल में दो रूम और हैं। तीन रूम पीछे हैं, दो आगे, एक बरामदा, और थोड़े बड़े बड़े रूम बनाए हुए हैं ये। और ये अपनी बाइक है। अब चलते हैं ऊपर। ये सामने दो मंदिर हैं, एक है वैष्णो माता का और दूसरा है बाबा नारसिंह का मंदिर। पीछे अभी जो है पुराना मंदिर है हमारा, पीछे दिख रहा होगा आपको वो, उस वो जो है अभी जो है नरसिंह बाबा को हमने यहाँ पे स्थापना नहीं की है, तो पूरी पूजा और कीर्तन के साथ होगा। तो अभी बिल्कुल उसका ब्लॉग भी आपको मिल जाएगा जब हम स्थापना करेंगे। ये सामने जो है ये है मेरे बड़े चाचा का घर, और नीचे है, यहाँ दिखाता हूँ, वो नीचे हरी टंकी है छोटे चाचा का। और यहाँ से हमारे साइड को हमारा गाँव पड़ता है। और सामने जो है ये रोड दिख रहा है, ये 103 है, कांगड़ा टू शिमला। और अब चलते हैं अंदर। और सबसे पहले जो है आता है हमारा डाइनिंग हॉल, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे यहाँ से हमने दरवाज़ा खोला और ये रहा डाइनिंग हॉल। और सामने आपको दिख रही होगी हमारी लाइट, जिससे हम शूटिंग करते हैं। एक और चैनल है मेरा आर्ट से, उसकी आर्ट की वीडियो, इससे मैं शूट करता हूँ। और ये है हमारा किचन। किचन का ब्लॉग भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल में। मैंने अपने किचन की एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लेना। ओके, अब चलते हैं अगले वाले रूम पे। और ये वाला रूम जो है सबसे स्पेशल रूम है, वो आपको दिखाता हूँ कैसे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं, मेरा डांस चैनल था पहले, तो यहाँ डांस किया करता था, लेकिन अब यहाँ पे बेड लग चुके हैं तो यहाँ पे डांस करना बंद हो चुका है। और अब आगे अगले वाले रूम में, ये वाले रूम जो है हम ऐसे ही एज ए बैठक यूज़ करते हैं इसको, और जब भी रेस्ट करना हो किसी तो आराम से रेस्ट करते हैं। ये वाला रूम है टीवी वाला रूम। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है जिसमें टीवी के लिए स्पेशल रूम मैंने बताया था, वो ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये है हमारा बाथरूम, और छोटा सा बाथरूम है। और यहाँ से जो है सामने दिख रहा है हमारी गाय का घर, जिसका ब्लॉग मैंने डाला हुआ है। अगर नहीं देखा है आपने तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना। ओके, अब चलते हैं बाहर की तरफ को। और बाहर की तरफ का जो नज़ारा है ना, वो देखने लायक है। आप मतलब मज़ा जाएगा आपको। यहाँ पे जो है इवनिंग के टाइम इतना मस्त भी होता है ना, सनसेट इतना प्यारा होता है। आपको मैं सनसेट दिखाता हूँ इसका, देखो सनसेट यार, हमारे घर पर सनसेट बहुत ही प्यारा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवनिंग के टाइम पे अपने लैंडर पे बाहर बैठना बहुत ही मज़ा आता है। आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। कितना मस्त व्यू है ना, अच्छा लगा ना आपको, बताओ। आई होप दोस्तों आपको हमारा होम टूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और शेयर करना ना भूलें। नए हैं सब्सक्राइब कर दें।